खुद को मुझे इनके बीच में एक्चुअली बहुत ज्यादा मतलब अच्छा लगता है, आई फील वेरी पीस लगता है मुझे। देखो कितना क्यूट है, कितना क्यूट है, कितना क्यूट है, शांत बच्चा बैठा है मेरा। हाँ हाँ, 9 बच्चे हैं, अभी अभी हुए हैं ये सारे, तो मैं इनको खाना खिलाती हूँ, इसलिए देखो ना। एक ये बहुत ही एक पॉजिटिव जगह है मेरे लिए, ये सेट में हर लोग, डायरेक्टर से लेके मेरे को आर्टिस्ट से लेके सब लोग बहुत ही ज्यादा लाइक बहुत ही मस्ती करते हैं। हम लोग मतलब सीरियस कुछ होता ही नहीं है, हम डांट खाते रहते हैं सर से कुछ भी, फिर हमारी मस्ती चलती है। तो दैट्स हाउ झनक लाइक हमारा सेट ऐसा ही है। वो तो मुझे पता नहीं है क्या ट्विस्ट आने वाला है, और पता चलता भी है तो मैं बताऊंगी नहीं, क्योंकि फिर आप नहीं देखोगे, मेरे मुंह से सुन लोगे तो। पर हाँ, आशीर्वाद सेरेमनी चल रही है, फाइनली आशीर्वाद हो रही है इसकी आर्षी और अनिरुद्ध की। हाँ हाँ, फाइनली आशीर्वाद हो रही है आर्षी और अनिरुद्ध की। झनक ने एक्सेप्ट तो कर लिया है, पर ऑब्वियसली उनका जो इक्वेशन धीरे 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 ग्रो किया है, ऑब्वियसली शी इज अंदर ही अंदर कहीं पे तो थोड़ा सा सैड वो है ही। अनिका मतलब आपको तो ज्यादा पता होगा, आप लोग मतलब देखते हैं। अनी इज ऑल्सो आई थिंक वेरी कंफ्यूज्ड। अनी को प्यार तो है झनक से, पर उस वो एक्सेप्टेंस नहीं है, मतलब उसको समझ नहीं है कि इसको लेके क्या करना है। वो ऑलरेडी वो कमिटेड है एक लड़की से जिसके साथ उसकी शादी पक्की हो चुकी है, तो उस बीच में वो अपने इमोशंस को आई थिंक प्लेस नहीं कर पा रहा है, तो वो गुस्सा दिखा रहा है। इंस्टेड ऑफ दैट अपने इमोशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो हर बात पे गुस्सा दिखा रहा है। हाँ, वो तो आई थिंक मतलब अभी ये शादी का माहौल चल रहा है और ये चल रहा है, पर आई थिंक लाइक अ राइटर दे हैव थिंग। मेरा जब ट्रैक आएगा तो हाँ, वो गाने का भी थोड़ा सा टच है उसमें अपू। तो देखिए, आपका आशीर्वाद अगर सर पे होगा तो अब झनक की जर्नी शुरू होगी, ये वो तो चलेगी बहुत देर तक, लाइक बहुत दूर तक चलेगी। तो आगे आगे बहुत सारे अपू का ट्रैक खुलेगा, जो भी मेंबर्स है फैमिली के झनक से रिलेटेड भी है, जो पसंद करते हैं नहीं पसंद करते, सबका ही अपने बीच में अपनी जिंदगी में भी क्या हो रहा है वो भी धीरे धीरे हम एक एक लेयर करके ओपन करेंगे हम लोग, आई होप। तो तब अप्पू की कहानी भी आपको मतलब वो पता चलेगी। मिल ही सकता है, पॉसिबिलिटीज तो है। और आप अगर अप्पू को कैसे देखना चाहते हैं वो भी हमें बताइए, तो वो भी हेल्प होगा हमारे लिए कि आपने इस कैरेक्टर को इतना प्यार दिया है, इतना सराहा है। लाइक लीड्स तो है ही, लीड्स तो हर सीरियल में होता है, पर आई एम वेरी ब्लेस्ड कि ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है नेशनल टीवी में, और हर जगह से मुझे इतना प्यार मिल रहा है। तो आप बताइए, आप कमेंट्स में बताइए, हमें बताइए, मेरे इंस्टाग्राम में बताइए आप हमें कि आप कैसे देखना चाहते हैं अप्पू को, अप्पू की कहानी को। किछु दिन मोने मोने, किछु दिन मोने मोने घरेर कोने, किछु दिन मोने मोने घरेर कोने, शामेर पीरित रख गो कोने, किछु दिन मोने मोने, श्याम के जखन पड़बे मने, देखबि कालो मेघेर पाने, ओहे श्याम के जखन पड़बे मने, ओ खापा देखबि कालो मेघेर पाने, आर रान्ना घरे थाकबे बसे भिजे काट दिए उनने, दिन मोने मोने। थैंक यू। पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं आया, और बंगाली बोला आपने तो इसलिए मैंने ये गाना।